अगर आप लोग भी किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो बता देता है कि सामने वाले की जो कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका फ़ोन किसी को भी नहीं बताएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है। बस इसके लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पर आपको हमारा फ़ोन है जो इस तरह से यहाँ पर जब चाहे हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं और जब चाहे हम रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ़ोन है वो किसी को नहीं बताएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ किया गया है या फिर ऑन किया गया है। बस इसके लिए आपको दो सेटिंग करनी है, आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सेटिंग आपको फॉलो करनी है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए आपको एक सेटिंग और करनी है, जो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसके लिए मोबाइल की सेटिंग में आना है, या फिर आप लोग इसके अंदर मोबाइल की सेटिंग के अंदर आइएगा, ठीक है। और जैसे आप मोबाइल की सेटिंग के अंदर आते हैं यहाँ पर सर्च करिएगा, आप लोगों को एक सेटिंग बता देता हूँ, या फिर आप लोग डायल पैड के अंदर आएंगे तो इसके अंदर भी आपको वो सेटिंग मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग के अंदर, सभी के अंदर वो ऑप्शन होता है जो कि कॉल रिकॉर्डिंग का होता है। अभी देखिए रिकॉर्ड कॉल का मेरे अंदर ऑप्शन है तो आपके में रिकॉर्डिंग कॉल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्ड कॉल हमारी ऑन है तो इसे आपको सबसे पहले ऑफ़ कर देना है, ठीक है, जैसे कि हम इसे ऑफ़ नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल। चलो इसे ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद आपको करना क्या है, आपको वो एक सेटिंग और करनी है जो कि आपको प्ले स्टोर पर आना है, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम को डायरेक्ट ओपन कर लेना है। क्योंकि जो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास टेलीग्राम होगा, क्योंकि हम हर वीडियो में टेलीग्राम के बारे में ज़रूर बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुफिया फीचर छुपे होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता चलते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए देखिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी जो कि आपको सर्च करना है यहाँ पर आज़ाद कुशवाहा को और इसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, अभी यहाँ पर हमारे मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं 7700, जल्दी से जल्दी 10K की फैमिली को कंप्लीट करिए आप लोग। और यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे CUBEACR, इस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसे अभी तक 13,000 से ज़्यादा लोग, 14,000 देख चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, 14,000 से प्लस में लोग देख चुके हैं इसे। और इसीलिए कहते हैं कि आपको एप्लीकेशन बेहतरीन लाते रहते हैं, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखिए यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर CUBEACR एप्लीकेशन हमेशा मौजूद रहती है, CUBEACR। इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करेंगे। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज करना नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि कैसे यूज करते हैं। देखिए अभी मैंने कंप्लेन नंबर पे कॉल किया था 198 नंबर पे 10 बजे, तो यहाँ पर 10 बजे का हमारा कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। देखिए इस रिकॉर्डिंग को हम सुन सकते हैं, ये सारा बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम बात करते हैं, देखिए सारी हमारी कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड हो रही है। देखिए जिससे भी हम जो बात कर रहे हैं सारी हमारी यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको करने का थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर इनेबल रिकॉर्डिंग को ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए हमारी यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हम किसी को भी करते हैं, फिर से एक बार 198 नंबर पे ही कॉल करेंगे और यहाँ पर जो हमारी कॉल है वो लग चुकी है और यहाँ से हमारी जो रिकॉर्डिंग है भी ऑफ है। देखिए हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ है, ठीक है। हम इसे भी ऑन कर सकते हैं लेकिन हम इसे ऑफ करके रखे हुए अभी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैक करेंगे इसे और यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल को कनेक्ट करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और इस अपनी CUBEACR एप्लीकेशन को हमने हाइड करके रखा हुआ है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से हम कंप्लेन नंबर पे कॉल किए थे तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए कंप्लेन नंबर पे, और यहाँ पर हमने इतने पे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। ये देखिए हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से आपकी जो है एप्लीकेशन वर्क करेगी। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे देखने के लिए और आप हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देख पाइएगा। जय हिंद, जय भारत।